हाय वेलकम टू श्वेताज मैजिक। तो हम जा रहे हैं फैमिली बाजार और दिस इज माय न्यू व्लॉग। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आई हूँ लखनऊ में, तो मैंने सोचा कि अब मैं जहाँ पर भी जाऊँगी या कुछ भी है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि लखनऊ जाकर वहाँ की मुझे चीज़ें दिखाना, वहाँ का रेस्टोरेंट दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ व्लॉग बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ फैमिली बाज़ार, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ फैमिली बाज़ार का व्लॉग शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाऊँगी, पर थोड़ा बहुत जितना भी मैं दिखा पाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड तो जल्द मैं जाती हूँ, जल्दी से रेडी होती हूँ और निकलते हैं। हमारी गाड़ी आ गई है और मिलते हैं फैमिली बाज़ार में। तो चलिए आप भी मेरे साथ फैमिली बाज़ार में शॉपिंग करिए और देखिए, बाद में मैं रिवील करूँगी मैं क्या लाई। वैसे तो फैमिली बाज़ार में ज़्यादातर ग्रॉसरी आइटम्स एंड बहुत सारी न्यू थिंग भी ऐड हो रही हैं अभी, तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है और हमें ग्रॉसरी भी शॉपिंग करनी है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। तो ये हम पहुंच गए हैं फैमिली बाजार में और यहाँ से एंट्री है इसकी। और फर्स्ट आप जैसे एंटर करेंगे ढेर सारी सीनरीज आपको मिलेंगी और रेट बहुत रिजनेबल होता है। जैसे कि ये टेबल का है, मिनी स्टूल टाइप आप कह सकते हैं किड्स के लिए, 275 रुपीज़ ओनली। और बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती है चीज़ों की और काफ़ी रिजनेबल रेट होता है। तो ये रग्स हैं यहाँ पर और ये एंट्री का मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर ये ढेर सारे यहाँ पर मिल्टन, सेलो, सारे ब्रांड्स के, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के थिंग्स अवेलेबल होती हैं। और ये अभी स्टार्ट हो गया है टॉय सेक्शन, आप देख सकते हैं कितने सारे टॉयज़ हैं यहाँ पर। और इस साइड यहाँ पर मग्स लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मग्स, हमने भी एक दो परचेज किए हैं। और ये देखिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, हर क्वालिटी का आपको यहाँ पर मिलेगा सामान और रेट भी काफ़ी रीजनेबल होते हैं। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, ये काफ़ी क्यूट है। एंड ये भी कुछ 275 और 235 रुपीज़ का था। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे टॉयज हैं। और ये है क्रॉकरी का सेक्शन और ये वंडर शेफ के, संजीव कपूर के एंड सेलो ट्रायो, मतलब इवन सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं एंड इतनी अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं एंड प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर शॉपिंग करने में। और लेटेस्ट कलेक्शन होता है इनका, हर बार ये चेंज करते रहते हैं, अच्छा से अच्छा जो लेटेस्ट कलेक्शन होता है वही आता है यहाँ पर। पिगी बैंक सारा कुछ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी क्यूट क्रॉकरी हैं, बाउल्स हैं। ये नैपकिन स्टैंड है, मुझे चाहिए था। और देखिए कितना क्यूट है ये, एक किड्स का बॉल्स है और ये मग्स हैं इसमें। और रेट भी काफ़ी रिजनेबल होते हैं, ये 170 रुपीज़ का था। बोन चाइना के बिग मग्स हैं ये एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये। वाटर बॉटल्स एंड दिस इज सोप डिस्पेंसर एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने भी ले लिया एक। बहुत ही यूज़फुल आइटम्स घर के, आप देख सकते हैं जार्स वगैरह हैं, सारा कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पर।
किड सेक्शन है, ये बर्थडे का जितना भी सामान है सब कुछ मिलता है, और ये बैग्स हैं, सारे ब्रांड्स के बैग्स होंगे यहाँ पर। काफ़ी अच्छा क्वालिटी, काफ़ी अच्छा रहता है। ये बाथरूम का आपको जितना भी सामान लेना है वो सेक्शन है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे स्पेस में बनाया है। की होल्डर्स हैं, क्यूट क्यूट से की होल्डर्स थे यहाँ पर। ग्रॉसरी शॉपिंग भी हमें थोड़ी बहुत करनी थी तो हम इस सेक्शन में भी आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉप्स वाइपर्स सारा कुछ रखा हुआ है अच्छे से। ये सारा पूजा का सेक्शन है, काफ़ी क्यूट। ये 68, 60, 70, 80 हर रेंज के यहाँ पर आपको देखिए मिनी पीतल के दियाज हैं। ये स्टील का काफ़ी सुंदर क्यूट बर्तन है। ये देखिए आप, कप स्टैंड है, कितना सुंदर है ये। और इसका रेट था कुछ 285 समथिंग था, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हैवी है। एंड ये देखिए हॉकिंस के जो हैं कुकर हैं, 3000 एंड 2500 सब हैं। स्टील की बास्केट्स हैं ड्रेन करने वाला वाटर। एंड ये देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का, सारा ब्रांड्स अवेलेबल होता है। ये सब पीतल के हैं, और ये वाटर बॉटल्स 799 का था। और ये बेकिंग का भी यहाँ पर सारा सामान मिलता है, बेकिंग ट्रेज एंड ऑल थिंग्स आर अवेलेबल हियर। एंड क्वालिटी एंड रेट इज़ सो रिजनेबल। दिस इज़ स्पून स्टैंड, दिस इज़ पेपर रैक में जो हम अपने पेपर बिछाते हैं वही है ये, यू कैन यूज़ इट। एंड दिस इज सर्फ एक्सेल मैटिक, सारा ग्रॉसरी का, सारा बिस्कुट एंड चिप्स एंड सारा सेक्शन मिलेगा आपको। सॉसेस वगैरह सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। एंड स्मॉल से लेकर बिग पैकिंग तक सब कुछ अवेलेबल होता है। और चीज़, अमूल का चीज़, बटर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इवन और भी कंपनीज के गो का भी सामान है, आप देखिए गो चीज़ भी है। सारा चॉकलेट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से आपको जो जो चाहिए हो आप परचेज कर सकते हैं। मकैन एंड स्वीट कॉर्न्स फ्रोजन सारा कुछ अवेलेबल है, तो मुझे स्वीट कॉर्न लेना था। और ये इधर सेक्शन है, आप देख सकते हैं किंग साइज़ एंड क्वीन साइज़ बेडशीट्स हैं, 900, 1000, 1200 अराउंड। एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद फिर हमने शॉपिंग कर लिया, और यहाँ पर मधुरिमा बेकरी स्वीट्स रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है। तो हमने कहा चलो हम भी यहाँ पर पानी पूरी का मज़े लेते हैं। और ये वहाँ अंदर जाकर कूपन लेना पड़ता है। और ये देखिए टोकरी वाली चाट। एंड ये रहा हमारे बताशे का काउंटर, आप देख सकते हैं मटर टिक्की, सो मच यमी फूड हियर। एंड दिस कॉर्नर इज़ कॉल्ड चटोरी चाट, आप देख सकते हैं। और इसमें है आलू टिक्की विद दही, मसाला पूड़ी, मापड़ी चाट, टोकरी वाली चाट, सारा कुछ है, रेट भी लिखे हुए हैं। एंड टेस्ट गाइस सो मच यमी, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। एंड बहुत ही अच्छे से ग्लव्स पहन कर दे आर सर्विंग फूड। सो आप देख सकते हैं मशीन वाला है।
सो यमी गाइस, सो यमी। और ये हमने सारी शॉपिंग कर ली, आप देख सकते हैं हम घर आ गए हैं। तो गाइस, तो चलिए मैं आपको रिवील करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई फैमिली बाजार से। और बहुत सारा सामान तो नहीं लाई, लेकिन हाँ, फिर भी 2300 का बिल हमने कवर कर लिया। और उसके बाद हमने मधुरिमा से बताशे भी खाए। और तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगा ये सोप वाला है, प्लास्टिक सोप डिस्पेंसर, एंड दिस इज ओनली 125 रुपीज का। और दूसरी सबसे क्यूट सी चीज मुझे लगी है ये नैपकिन स्टैंड, 130 रुपीज का। एंड ये मग हम लाए हैं 130 रुपीज का। नाउ दिस इज यूज फॉर, हम इसमें स्पून रखने के लिए यूज करेंगे, और आप पैन भी रख सकते हैं। ये लाए हम। और बाकी ये सारी चीजें, ग्रोसरी आइटम्स, सर्फ एक्सेल, हमारी प्यारी बाग बकरी, और इडली, बटर, किसान, टमाटो केचप, एंड दिस इज स्वीट कॉर्न, एंड एक बैग भी लाए हैं जो भी उधर रखा हुआ है, वो आपको मैं दिखाती हूँ ना। और इसकी कलर वलर, तो ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। तो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर श्वेताज मैजिक। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा फैमिली बाजार का। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।